भाई अभी थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है, उसको इग्नोर करना। बाकी अभी तो भाई आपको जो फीचर्स बताने वाला हूँ ना इस कार की है, आप उसको सुनते ही बाय करने लग जाओगे। ऐसी इतनी मेरे को तगड़ी पसंद आई हुई है ये कार, आप समझ ही होंगे भाई ये रिव्यू जो है मेरा पॉजिटिव वे में होने वाला है। तो मैं 5000 किलोमीटर से जो मैंने कंप्लीट करे हैं उसका शुरू करते हैं ये रिव्यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आपको हमारे चैनल में कुछ भी कोई दिक्कत लगे, आपने कोई सवाल पूछना हो हमसे, तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। हेलो भाई, आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना आज का अशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं जो अपनी मारुति सुजुकी अर्टिगा है इसका आपको बताने वाला हूं 5000 किलोमीटर्स के बाद भाई इसका क्या रिस्पांस है। और 5000 किलोमीटर्स ने मेरे कवर कर लिए तो उसके बाद टोटल इसका क्या रिस्पांस है भाई, मेरे को कैसी लगी ये और कितनी कम्फर्टेबल है ये कार, तो ये बातें बताने वाला हूं मैं आज की वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो की भी अपडेट अभी दे देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं एक सड़क ख़राब है, तो यहाँ पर अभी हम इसको लेके जाएंगे, इसकी ऑफ रोडिंग करके देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है। और आपको जैसे कि पता होगा ये अपनी कार है, सीएनजी वेरिएंट है, सीएनजी वेरिएंट का देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है भाई। ऐसे देखो मतलब जो ऑफ रोडिंग थोड़ी हो गई, यहाँ पर क्या रिस्पांस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देर के। अभी आप देख रहे हैं हमारी ये अर्टिगा है, इसका हम करने वाले हैं भाई रिव्यू। सबसे पहले देखो इसका की आपको ऐसी मिल जाएगी, इसके टायर वगैरह इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर अभी मैं चला कर ही आया था, तो यहाँ पर भाई ये काफ़ी गंदे हो रखे हैं, इनको इग्नोर कर देना। यहाँ पर इसकी ऐसी कुछ की मिल जाएगी आपको, ऐसे अनलॉक हो जाएगी ये। अभी अनलॉक करके अंदर चल के दिखाता हूँ आपको मीटर में कितनी रीडिंग्स है। यहाँ पर देखो भाई की लग जाएगी अपनी, यहाँ पर देखो भाई जो ये रीडिंग्स आ रही हैं, एक मिनट में कर देता हूँ सही, ये देखिए 4500 हो चुके हैं। आप इसको 5000 ही मान लीजिए क्योंकि मैंने अभी इसको लेके निकलना भी है और मैं काफ़ी कहीं दूर जा रहा हूँ, तो उसको मिला के मेरे 5000 किलोमीटर कंप्लीट हो ही जाएंगे। अभी शेयर करने वाला हूँ अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस जो भाई मेरा अभी तक जो था इस कार के साथ, जो क्या रहा है एक्सपीरियंस वो बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो भाई सबसे पहले तो भाई ये कार है MPV, मतलब ये मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। इसको आप देख सकते हैं 7 सीटर है, इसको आप किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे इसमें माल लोड करो या फिर बंदे पैसेंजर व्हीकल कह लो इसको। तो मैंने इसको तो भाई दोनों तरीके से यूज़ कर लिया, इसको मैंने थोड़ा सामान भी लोड करके देखा था इसमें, और सामान के साथ साथ मैंने इसमें 7 बंदे भी बिठाए थे। और ये अपनी CNG वेरिएंट है। तो सबसे पहले भाई इस कार का मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहली चीज़ जो है इस कार की भाई, सबसे तगड़ी चीज़ वो है भाई इस कार की माइलेज। मारुति सुजुकी भाई फेमस ही अपनी कार की माइलेज के लिए है, जो इनकी माइलेज होती है ना भाई बहुत तगड़ी माइलेज निकलती है। और साथ में CNG, ये देखो CNG का स्टिकर लगा हुआ है, CNG है अपनी भाई, अपनी बहुत तगड़ी माइलेज निकाल देती है। आपको ये लगा लो आपको 350 रुपये की CNG में आपके 100 या 120 किलोमीटर आराम से कवर कर देती है। ये बहुत तगड़ी कार है अपना, आराम से आपको मतलब अच्छी खासी माइलेज निकाल के दे देगी। सेकंड चीज़ जो है भाई इस कार की स्पेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर भाई, यहाँ 7 सीटर व्हीकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। ये पीछे मेरा व्लॉगिंग ट्राइपॉड पड़ा हुआ है तो इसको इग्नोर करना, आगे भी देख सकते हो भाई, पीछे भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ पर हैंड रेस्ट भी मिल जाएगा आपको, काफ़ी अच्छे तरीके से इसका मतलब यूसेज हो सकता है अगर आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ करोगे ना, ये काफ़ी तगड़ी व्हीकल है। और यहाँ पर इसको गेट देख सकते हैं, कितना बड़ा ही गेट है भाई, कितना तगड़ा ये बड़ा खुल जाता है आप देख सकते हैं यहाँ से भाई। बहुत बहुत पावरफुल तो नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत माइलेज एफिशिएंट है इसका जो इंजन है ना, बहुत माइलेज एफिशिएंट है। आपको इसका बूट स्पेस चेक कराता हूँ, ये देखिए। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये भाई CNG, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो उनमें देख लो, CNG का सिलेंडर है ये, आपको खोल के दिखाऊँ एक मिनट, तो एक मिनट रुको, ये देखो यहाँ से इसको खोलने का दिया हुआ है ये, और ये देखो भाई ये है इसका CNG सिलेंडर जो बूट में रखा हुआ। तो थोड़ी इसकी ना बूट स्पेस खा जाता है ये, आपको बताऊँ मैंने जब 5000 जो किलोमीटर में बोल रहा हूँ जो मैंने ट्रैवल करे हैं उसमें भाई मेरी बूट स्पेस की मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे को बूट स्पेस का ना इतना यूज़ ही नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी आप देख सकते हैं इतनी बूट स्पेस आपको आराम से मिल जाएगी। और इसको अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जो जैसे यहाँ जो बंदे बैठे हैं वो थोड़ा कम्फर्टेबली नहीं बैठे, इसको आप यहाँ से इसको ऐसे उठाओ और रिक्लाइन कर दो भाई, ये इतनी रिक्लाइन हो जाती है तब भी आप देख सकते हैं कितनी स्पेस यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो भाई सेकंड चीज़ मेरी ये थी कि इस कार की स्पेस भाई बहुत स्पेशियस कार है और आराम से आप इसको चला सकते हैं, अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तब भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली इसको चलाने में। थर्ड चीज़ पर चलते हैं भाई, जो थर्ड चीज़ जो मेरे को लगी भाई वो है इस कार के तगड़े लुक्स। इतने तगड़े लुक्स हमें इस कार के मिले हैं ना भाई, आपको इस प्राइस रेंज में भाई कहीं नहीं मिल सकते इतने तगड़े लुक्स के साथ, इतनी अच्छी माइलेज और
जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ भाई, इतनी तगड़ी लुक्स जो है यहाँ से। बस एक चीज़ है इसमें, ऑटोमेटिक एसी मिसिंग है। एक चीज़ तो आप वो छोड़ चलो लगा लो, और साथ में यहाँ देख सकते हैं फ्यूल का आपका वो स्विच करने का बटन है फ्यूल का। और एक चीज़ आपको आगे से भी दिखाता हूँ भाई, जो लुक्स है ना एसयूवीज को फेल कर दिया, ऐसी लुक यहाँ से देखो भाई, एसयूवीज को फेल कर दे भाई, ऐसी तगड़ी लुक है ना इस कार की भाई, मैं तो दीवाना हो रखा हूँ इस कार का। मेरे को भाई मेरा बस चले, मैं 4-5 और अर्टिगा खरीद लूँ, पूरा गैरेज बना लूँ हर कलर का, इतनी पसंद है मेरे को ये कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे भी पोर्ट है, फीचर के लिए आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं वीडियो में कि इसके फीचर में पीछे जो पोर्ट वगैरह है। तो भाई पीछे की भी लुक आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पीछे से जो ये लुक आती है ना भाई, इतनी तगड़ी लुक है ना ये। अब चलते हैं भाई अपने अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है भाई इस कार के फीचर्स। फीचर्स में आप सोच रहे होंगे भाई सीएनजी बेसिक वेरिएंट है, कोई इसमें खास फीचर नहीं आते होंगे, पर ना आप गलत है भाई जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सारी पावर विंडो आपको मिल जाएगी। सेकेंड चीज़ आपको ये जो मिरर का ये जो है फोल्ड अनफोल्ड का, ये भी चाबी लगी हुई इसलिए नहीं हो रहा, मिरर अनफोल्ड का, यहीं से आप इसको बैठ के ये सब कर सकते हैं। जो आजकल की जो बेस मॉडल वगैरह सेल्टोस वगैरह में आता है उनमें आप वही यहाँ पर वो होता है उसको हाथ से लगे रहो भाई, बेकार चीज़ है वो। उसमें मतलब आपने लेना है तो भाई अगर अच्छा, अगर आप इतने पैसे ले रहे हो तो भाई इसमें तो कम से कम ये तो दो, कम से कम बहुत नेसेसरी फीचर है आज की डेट में। कहीं वहाँ से देखो, वहाँ से निकल के आपको वहाँ करना पड़े उसको, सोचो कितना बुरा लगेगा। आपने 12 लाख वगैरह आपने खर्च करें तब भी आप ऐसे हाथ से कर रहे हो, और वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे 10 लाख वाली गाड़ी में मिल रहा है, तो भाई सल्यूट है मारुति को। सेकंड चीज़ है भाई इस कार के जो स्पीकर्स हैं, मतलब ये जो स्टीरियो दिया हुआ है इसको तो आप इग्नोर कर दो, क्योंकि इसका जो है ना भाई सिर्फ ये टच यहाँ जो बटन होते हैं ये वर्क करते हैं, वो मैंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, मेरे चैनल में जाकर देख लेना। इसके सिर्फ बटन वर्क करते हैं, लेकिन जो इसके स्पीकर हैं भाई मेरे को नहीं पता है कौन से स्पीकर आते हैं इसमें, लेकिन जो स्पीकर के जो आउटपुट है ना भाई, इतनी तगड़ी बेस निकालते हैं ना इनके स्पीकर, मज़ा आ जाएगा भाई आवाज़ सुन के, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको आवाज़ सुन के। पीछे भी आपको स्पीकर मिलेंगे, लेकिन जो पीछे का जो स्पीकर है ना उनकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है भाई। यहाँ जो स्पीकर मिलते हैं इनकी क्वालिटी आपको थोड़ी हल्की लगेगी, जो आगे वाले स्पीकर हैं उनकी जो बेस है और जो भाई आवाज़ है ना, मज़ा आ जाएगा भाई, बहुत तगड़ा फील आ जाएगा आपको। अगर आप पीछे से दिखाऊँ तो भाई पीछे से भी देख सकते हैं आप, पीछे भी आपको ये एक आपको पोर्ट मिल जाएगा, जो बंदे पीछे बैठे हैं उनको अगर चार्जिंग करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं अपनी चार्जिंग, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में जाते हैं ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीछे का एक और चार्जिंग पोर्ट, मतलब तीन चार्जिंग पोर्ट भाई, और क्या एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन ये जैसे मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे को चाहिए थी भाई सीएनजी कार, और उस हिसाब से मेरे को ये चीज़ चाहिए, उस हिसाब से भाई इस कार में नहीं आता, तो मेरे को इतने कोई ज़रूरत नहीं है इतने तीन चार्जिंग पोर्ट की। मेरे को अपने ही चार्ज करना होता है, बाकी पीछे बच्चे वगैरह बैठ जाते हैं तो उनका इतना यूज़ रहता नहीं है, ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट चलने से पहले एक चीज़ की कमी बताने वाला हूँ आपको। ये जो भाई कंपनी है ना अपनी मारुति सुजुकी, इनसे मेरे को एक शिकायत है भाई, अपने इतनी 10 लाख की गाड़ी बना तो दी, पर इसमें भाई एक फॉग लैंप्स इंक्लूड कर देते तो बहुत बढ़िया रहता। चलो कोई नहीं, फॉग लैंप्स तो मैं बहुत जल्दी लगवाने वाला हूँ, उसमें मेरे को कमेंट करके बताना मेरे को कौन से फॉग लैंप्स लगाने चाहिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि भाई अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, यहीं से आपकी सीएनजी बढ़ जाती है। जैसे कई सीएनजी कार्स में क्या होता है, आपको आगे खोल के देखना पड़ता है, तो उसमें भाई वो चीज़ बहुत बुरी लगती है वहाँ पर। अगर करो ना आगे से इसको बोनट खोलो, उसमें भरो, इसका क्या अपना वहीं से पीछे से आओ, आगे से ना आपको सीट के नीचे आपको मिल जाएगा खोलने वाला, वहीं से खोलो, यहीं से सीएनजी बढ़ जाएगी। सीएनजी वम भी पीछे ही है, लेकिन मेरी कार में काफ़ी सीएनजी है इसलिए मैं अभी डलवा नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सीएनजी बढ़ जाएगी। मतलब इस कार को बाय करने के ना इनफाइनाइट रीजंस है भाई, आप इसको बाय कर सकते हैं बिना किसी देने के भाई, काफ़ी अच्छे रीजंस है। और अगर आप चाहते हैं, मतलब आपको कहाँ रहते हैं और आपकी जगह पर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर ये अवेलेबल है या नहीं, वो मेरे को कमेंट्स में बताओ, क्योंकि काफ़ी बंदों की कंप्लेंट्स आ रही है कि भाई हमें अर्टिगा नहीं मिल रही है, वो मेरे को आप कमेंट्स में बताओ, हम उसके बारे में भी कुछ सोचते हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली वो है भाई इस अर्टिगा से ऑफ रोडिंग की, क्योंकि ये है सीएनजी कार, आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी बनाने जा रहा हूँ मैं वो वीडियो, शुरू करते हैं उस वीडियो को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।